जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने मंडी में हो रही रेसलिंग के आयोजन में प्रदेश सरकार की भूमिका से सरकार की कार्यप्रणाली पर भी इस शो संबंधी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दीपक शर्मा ने कहा कि जब ये खेल मान्यता प्राप्त खेल नहीं है तो राज्य सरकार ने इसके आयोजन के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु कैबिनेट में एजेंडा क्यों लगाया। खेल सचिव ने किसके आदेश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य विभागों को द ग्रेट खली द्वारा आयोजित किए जाने वाले इवेंट के लिए धनराशि जुटाने संबंधी फरमान जारी किए हैं। दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा का चरित्र ही यू टर्न वाला बन चुका है। हिमाचल की जनता के साथ चुनावों में बड़े बड़े वायदे किए, हर मंच से जनता के सामने सत्ता में आने पर पूरी करने की कस्में खाई, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे फैक्टर टू लगाने का हो, अच्छी कानून व्यवस्था का हो, सम्मान विकास करने का हो। सत्ता में आने के बाद हर वायदे को उन्होंने न केवल तोड़ा बल्कि उसके उल्ट काम किया है। केंद्र सरकार की तरह प्रदेश सरकार भी यू टर्न वाली सरकार बन के रह गई है। अब इसका शिकार हिमाचल के पुत्र खली बन गए हैं, जिनसे वादा करके सरकार ने वित्तीय सहायता देने से हाथ पीछे खींच लिए हैं। प्रदेश सरकार ग्रेट खली के शो के आयोजन का श्रेय लेने के लिए बहुत उतावली हो रही थी और खली को ये शो करवाने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रदेश सरकार से आश्वासन मिलने के बाद खली ने लगभग पूरी तैयारी कर ली है। तब सरकार ने इस बहाने के साथ कि रेसलिंग शो मान्यता प्राप्त खेल नहीं है, इसीलिए सरकार इस आयोजन को वित्तीय सहायता नहीं कर सकती है। दीपक शर्मा ने कहा कि खली के उस ऐलान का स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने मंडी वासियों के लिए ये शो फ्री में देखने का निर्णय लिया है और साथ ही साथ हिमाचल की लोक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए छोटी काशी में महिला रेसलरों की फाइट ना करवाने का निर्णय लिया है। दीपक शर्मा ने कहा कि ग्रेट खली को भरोसा दिलाया कि बेशक प्रदेश सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है, परंतु प्रदेश की जनता विशेषकर मंडी की जनता ऐसी नहीं है। जिलाधीश मंडी ने कहा कि खली को मंडी की जनता का भरपूर सहयोग रहेगा, बशर्ते शो में अश्लीलता हुड़दंगपन ना हो और स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। मंडी के पटेल मैदान में जो रेसलिंग प्रतियोगिता होने जा रही है, उसके बारे में जो सरकार की भूमिका रही वो उस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहले सरकार ने इस बात की उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटा कि वो सरकार के कारण मंडी में संभव हो पा रही है, और उस एजेंडे को जो रेसलिंग वित्तीय जो सहायता थी इस रेसलिंग शो के तहत, उस एजेंडे को उन्होंने कैबिनेट में भी उठाया। और कैबिनेट में जब उनको पता चला कि ये मान्यता प्राप्त खेल नहीं है, तब सरकार इससे पीछे खींच रही है। और इसके बावजूद सरकार का एक लेटर है जिसमें उन्होंने कहा है, जो खेल सचिव है उन्होंने वो सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी विभागों को लेटर जारी किए हैं कि इस रेसलिंग प्रतियोगिता के अंतर्गत जो जिला मंडी और सोलन में आयोजित होने वाली है, इसके अंतर्गत फंड्स का वो जो कलेक्ट करने के लिए फरमान जारी करे। तो उन्होंने बोला कि सरकार की तरफ से हमको कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है, तो सरकार इसमें कोई मदद नहीं कर पाएगी। तो ये तो यू टर्न वाली बात है। और हम खली से ये भी गुजारिश करना चाहेंगे, जिला कांग्रेस कमेटी ये गुजारिश करना चाहेगी कि चलो, उन्होंने इस बात का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि सारी मंडी वासियों के लिए, काशी वासियों के लिए उन्होंने जो फ्री ये जो टिकट का किया, तो इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और हमारी एक गुजारिश रहेगी स्वच्छता के प्रति, और मंडी का और जो हिमाचल की देव संस्कृति है, एक हमारी लोक संस्कृति है और जो हमारी संस्कृति है, इसके रिगार्डिंग एक अपील रहेगी कि वो इसमें ऐसी अश्लीलता या कुछ ऐसा ना करें जिससे हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचे।